नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। देश में आज से कोरोना का अगले चरण का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, जिसमें सीनियर सिटीजन यानी जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है और उनके साथ 45 साल तक के उन लोगों को भी कोरोना टीका लगाया जाएगा जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं। लेकिन वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे कराना होगा सहित तमाम सवाल लोगों के मन में हैं। हमारी इस रिपोर्ट में आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा, देखिए। अगले फेज का वैक्सीनेशन शुरू। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग लगवा पाएंगे टीका। सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में लगेगा टीका। भारत में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव के साथ देश में अगले फेज का वैक्सीनेशन आज से शुरू हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दूसरे फेज में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित 45 साल के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुबह दिल्ली के एम्स में वैक्सीन लगवाकर दूसरे फेज के वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत कर दी। वहीं उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी कोरोना वायरस की पहली डोज लगवा ली है। वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के लिए कोविन ऐप, आरोग्य सेतु ऐप की मदद ली जा सकती है या फिर cowin.gov.in पर लॉगिन किया जा सकता है। एक मोबाइल नंबर से 4 लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। कैसे होगा रजिस्ट्रेशन? CoWIN 2.0 या आरोग्य सेतु ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए फोन नंबर, एक आईडी कार्ड का नंबर जो आई कार्ड जमा करवा रहे हैं उसपे दिया गया नाम और उम्र फीड करनी होगी। इसके बाद दिए गए मोबाइल फोन पर ओटीपी मिलेगा। इस ओटीपी को भरकर रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। इसके बाद मोबाइल फोन नंबर की मदद से ऐप में लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए अस्पताल चुनना है, जिसके बाद दिन और उपलब्ध टाइम स्लॉट का ब्यौरा भी आ जाएगा। अपनी पसंद का समय और दिन चुन सकते हैं। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी होने तक अपॉइंटमेंट में बदलाव किए जा सकते हैं। वैक्सीनेशन के बाद बदलाव करने का ऑप्शन उपलब्ध नहीं होगा। कौन से डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे? वैक्सीन लगवाने के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर कार्ड, पेंशन डॉक्यूमेंट से ही रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। वहीं वैक्सीन लगवाने के लिए देश के हर राज्य में लोग अपने पास के टीकाकरण केंद्र पर पहुंच रहे हैं। बता दें, सरकार ने टीकाकरण के लिए 10,000 सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों को चिन्हित किया है, जहां मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाएगी। वहीं प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीन की कीमत चुकानी होगी, जिसकी कीमत 250 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति डोज होगी। 16 जनवरी से वैक्सीन अभियान का पहला चरण शुरू हुआ था। इस चरण में अब तक करीब 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। पहले चरण में सिर्फ 2,000 निजी केंद्र शामिल थे, लेकिन दूसरे चरण में निजी केंद्रों की भूमिका बढ़ा दी गई है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक देश के 12,000 निजी अस्पताल आयुष्मान भारत से जुड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।